चलिए एवरीवन फोकस ओवर हियर टुडे वी आर प्रैक्टिसिंग बेसिक इंग्लिश इफ यू आर न्यू एंड वांट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी फ्रॉम बिगनिंग एंड लिटिल बिट वीक इन सेंटेंस मेकिंग देन दिस पर्टिकुलर सेशन विल ट्रूली हेल्प यू सी ओवर हियर दिस इज टू बी एंड विद द हेल्प ऑफ टू बी वी आर जस्ट गोइंग टू मेक टू हैव बीन एंड टू हैव की मदद से हम लोग बनाने वाले टू हैव हैड सो दिस टू बी का मतलब होता है कुछ होना ठीक है जब सब्जेक्ट कुछ है जैसे आपने कहा वो मेरा दोस्त है ही इज माई फ्रेंड बट वेन यू से वह 2 साल से मेरा दोस्त है नाउ द सिचुएशन विल चेंज दिस टाइम समबडी हैज बीन योर फ्रेंड फॉर 2 years सो इन इंग्लिश यू वुड से ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 2 years वह 2 साल से मेरा दोस्त है से है या फिर वह मेरा दोस्त रहा है 2 साल से ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 2 years वो बचपन से ही मेरा दोस्त रहा है या है ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड वह मेरा दोस्त है ही इज माई फ्रेंड वो बचपन से ही मेरा दोस्त है ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड यू गॉट इट वो मेरा क्लासमेट है ही इज माई क्लासमेट वह 2 साल से मेरा क्लासमेट है ही हैज बीन माई क्लासमेट फॉर 2 years He has been my classmate for 2 years. In the past, you have to use had been plus object since /4 plus time. In future, you're going to say will have been plus object since /4 plus time. Now, I have been here for since morning. मैं सुबह से हूँ. I had been here since morning. मैं सुबह से था. I will have been here since morning. मैं सुबह से होऊंगा. मैं 2 साल से अपने दोस्तों के साथ हूँ आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स फॉर 2 years मैं 2 साल से अपने दोस्तों के साथ था आई हैड बीन विथ माई फ्रेंड्स फॉर 2 years एंड मैं 2 साल से अपने दोस्तों के साथ होऊंगा आई विल हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स फॉर 2 years द नेक्स्ट सिचुएशन दैट इज जब आपके पास कुछ है कोई चीज का पास होना आपके पास क्या है बताइए आपने कहा सर आई हैव 2 eyes 1 nose आई हैव 2 ears आई हैव ब्लैक हेयर ओके दैट्स गुड ये सब सारी चीजें हैं अब मैंने कहा कि भाई आपके पास ब्लैक हेयर है लेकिन कब से है तो मेरे पास तो बचपन से ही ब्लैक हेयर है तो क्या कहोगे इंग्लिश में नाउ दिस टाइम सी एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ सारे स्टूडेंट सीखना यहाँ पर भी हैज़ेव लगाया यहाँ पर भी हैज़ेव के बाद यहाँ पर देखो आपने बीन लगाया बीन क्यों लगाया क्योंकि जो बी वर्ब है ना इसका थर्ड फॉर्म बीन होता है ऐसे ही जो हैव वर्ब हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का पास होना इसकी थर्ड फॉर्म होती है हैड आई रिपीट दिस लाइन सो दैट आपको एक बार बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इंग्लिश में 2 verb होती है एक होता है टू बी verb और दूसरी होती है टू हैव verb ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म होती है ठीक है तो टू बी verb की सेकेंड फॉर्म जो है ना वो होती है was and were और थर्ड फॉर्म होती है been ऐसे ये जो हैव verb होती है have का मतलब होता है किसी चीज का पास होना इसकी सेकंड फॉर्म भी हेड होती है और थर्ड फॉर्म भी हेड होती है इसी वजह से जहां आपने बीन लगाया है उसके बदले आपको क्या लगाना होगा हेड लगाना होगा अब आप देखना दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से शी हैज बीन माई क्लासमेट शी हैज बीन माई क्लासमेट सिंस चाइल्डहुड वो बचपन से ही मेरी क्लासमेट है या रही है ना और दूसरा सेंटेंस देखना शी हैज अब यहां हैज के बाद में बीन लगाया था आपने दीज बीन नाउ यहां पर आप लगाओगे हैड शी हैज हैड दिस पेन उसके पास ये पेन बचपन से ही है शी हैज हैड दिस पेन सिंस चाइल्डहुड अब मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है You can see the visible difference between been and had. When you are using been, तो आपके subject का कुछ होने का बोध हो रहा है एक समय से कि she has been my classmate since childhood. She has been my friend for 2 years. वो 2 साल से मेरी friend है. She has been my, you can say that she has been my schoolmate for 2 years. वो 2 साल से मेरी schoolmate है. दे हैव बीन माई गुड फ्रेंड्स वे मेरे अच्छे दोस्त हैं फॉर 2 days 2 दिन से तो इस तरीके से जो भी बीन है बीन का मतलब होता है कुछ होना और हैड जो कि उसकी थर्ड फॉर्म हैव की इसका मतलब होता है किसी चीज का पास होना तो मैं सेंटेंस बोलूंगा आपको समझ जाएंगे कि वो किस में बनने वाला है
आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ आप हेड लगाओगे ऑब्जेक्ट सेंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। अब जैसे यहाँ हैज एव है, यहाँ भी हैज एव है, यहाँ हेड लगेगा और फिर विल हैव लगेगा, यहाँ हेड लगेगा और यहाँ पर विल हैव लगेगा। अब इसके बाद में फिर आएगा हेड हेड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, है ना। ये इस तरीके से हैज हैव हैड हैड और विल हैव हैड। मैंने कहा मेरे पास ये कार 2 साल से है, आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 ईयर्स, फील रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, नो नीड टू गेट हेजिटेट, यू नो व्हाट व्हाट आई एम टीचिंग यू वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, टू बी विद द हेल्प ऑफ टू बी वी आर लर्निंग टू हैव बीन विद टू हैव वी आर लर्निंग टू हैव हैड। यहाँ पर आप देखेंगे तो हैड हैड एंड हैड, तीनों में हमने हैड लगाया है, हैज हैव हैड और विल हैव। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी हैज हैव है, हैड और विल हैव, और इनके तीनों के साथ में बीन लगा है। यू कैन सी यहाँ पर हैड हैड हैड, यहाँ पर बीन बीन बीन, क्यों? क्योंकि ये बी की थर्ड फॉर्म है, दैट इज वाई। अब अगर आपने कहा वह मेरा पड़ोसी 2 साल से है, तो आप बताइए मुझे कि वो टू हैव बीन में बनेगा कि टू हैव हैड में बनेगा। अगर पड़ोसी है 2 साल से तो वो टू हैव बीन में बनेगा, और मेरे पड़ोसी के पास ये कार 2 साल से है तो माई नेवर हैज हैड दिस कार फॉर 2 ईयर्स। दैट इज नॉट सो मच कन्फ्यूजिंग, इट्स क्वाइट ईजी। अगर आप बैलेंस करके समझोगे, दिमाग लगाकर समझोगे, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कन्फ्यूजिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी एवरी वन। मैंने कहा मेरे पास एक कार 2 साल से है, आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 ईयर्स, मेरे पास ये चेयर 10 साल से है और इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, आई हैव हैड दिस चेयर फॉर 10 ईयर्स एंड द सर्विस ऑफ दिस चेयर इज एक्सट्रीमली ग्रेट एंड आई अप्रिशिएट इट, यू नो आई हैव हैड दिस पेन फॉर 2 मंथ्स, मेरे पास ये पेन 2 महीने से है। सो दिस इज द वे टू स्पीक, वी डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज, यू नो थिंग्स आर वेरी ईजी टू स्पीक। यू नो मैंने कहा रवि के पास बहुत सारा पैसा है बचपन से ही, रवि हैज हैड अ लॉट ऑफ मनी सिंस चाइल्डहुड, रवि हैज हैड अ लॉट ऑफ मनी सिंस चाइल्डहुड। और यहाँ पर देखो रवि हैज A lot of money. रवि के पास बहुत सारा पैसा है, क्या कहोगे? रवि के पास बहुत सारा पैसा है तो इंग्लिश में आप कहोगे रवि हैज अ लॉट ऑफ मनी, रवि हैज अ लॉट ऑफ मनी, रवि के पास बहुत सारा पैसा है, रवि हैज अ लॉट ऑफ मनी। और रवि के पास बचपन से ही बहुत सारा पैसा है तो रवि हैज हैड अ लॉट ऑफ मनी, बचपन से ही है, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। अब देख लो दोनों सेंटेंसेस ए और बी को, यू कैन फाइंड द विजिबल डिफरेंस हैज एंड हैज हैव हैड। ओके, ऐसे देखो, शी इज माय क्लासमेट, वो मेरी क्लासमेट है, वह 2 साल से मेरी क्लासमेट है। नाउ दिस इज विल चेंज इनटू हैज बीन, शी हैज बीन माय क्लासमेट दो साल से है तो फॉर 2 ईयर्स। अब आपको यह पता होना चाहिए कहां आपको सिंस लगाना है, कहां आपको फोर लगाना है। इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग विद पॉइंट ऑफ टाइम, वी हैव टू यूज सिंस, एंड विद पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू यूज फोर। मैंने कहा सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, 2 बजे से सिंस 2 o'clock, संडे से सिंस संडे, मंडे ट्यूसडे, जनवरी फरवरी मार्च, है ना, 2005 2006 2007 सबके साथ सिंस लगाओगे। एंड फोर इट विल बी यूज्ड विथ सेकंड, मिनट, आर, डे, वीक, मंथ, यू नो दैट इज द थिंग। सो मैं चाहूंगा, आई वॉन्ट यू ऑल कि आप सभी जो है समझ के चीजों को लर्न करें। नाउ दिस टाइम यू हैव टू चेंज ऑल दिस सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, लेट्स चेंज इट, कम ऑन एवरीवन। मैंने कहा मैं वहां नहीं हूं, मैं वहां नहीं था, आई वॉज नॉट देयर, मैं घर पर नहीं हूं, आई एम नॉट एट होम, मैं कल घर पर नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी एट होम टुमारो, मैं कल कॉलेज में नहीं रहूंगा, कल मैं कॉलेज में नहीं होऊंगा, I will not be in college. आप एक confident English speaker नहीं होंगे अगर आप regularly class attend नहीं करोगे तो।
यू विल नॉट बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर इफ यू डू नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली. यू नो वॉट, यू विल नॉट बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर. याद ध्यान दो, यू विल नॉट बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर. अगर आप रोज क्लास अटेंड नहीं करोगे तो, इफ यू डोंट अटेंड क्लास, इफ यू डोंट अटेंड क्लास रेगुलरली. ओके, रेगुलरली इज एन एडवर्ब, नियमित रूप से. यू वॉन्ट बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर इफ यू डोंट अटेंड द क्लास रेगुलरली. टुमारो, कल मैं घर पर ही रहूंगा, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं मुझे. टुमारो आई विल बी एट माई होम, यू कैन कम एंड मीट मी. यू कैन कम एंड मीट मी, आप घर आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं. भविष्य में वह एक अच्छी इंजीनियर होगी. भविष्य में को इंग्लिश में कहेंगे इन फ्यूचर. इन फ्यूचर शी विल बी अ गुड इंजीनियर. ठीक है, भविष्य में वह एक अच्छी वक्ता होगी. इन फ्यूचर शी विल बी अ गुड स्पीकर. ठीक है, सो दिस इज द वे टू वर्क. और जब इस पैटर्न के साथ में आप वर्क करोगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. और मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक यू गाइज आर गोइंग टू गेट कन्फ्यूज, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इजी दे आर. मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग. उसके पास सब कुछ है, ही हैज एवरीथिंग. उसके पास बचपन से ही सब कुछ है. चलो बोलो इसकी इंग्लिश, उसके पास बचपन से ही सब कुछ है. ही हैज हैड एवरीथिंग. बचपन से ही का इंग्लिश क्या होगा, सिंस चाइल्डहुड. अब यहां बीन नहीं लगा सकते हो. ही हैज बीन एवरीथिंग सिंस चाइल्डहुड का मतलब हो जाएगा बस बचपन से ही सब कुछ है. ये गलत हो जाएगा. उसके पास बचपन से ही सब कुछ है. रवि के पास ये सेलफोन 2 साल से. इसके इंग्लिश करके बताओ, रवि हैज हैड दिस सेलफोन 2 साल से, फॉर 2 years. एंड वन सेंटेंस दैट आई एम गिविंग यू टू ऑल टू ट्रांसलेट एंड कमेंटेड एंड दैट इज, उनके पास 2005 से यह प्रॉपर्टी थी. उनके पास 2005 से यह प्रॉपर्टी थी. यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग वेरी वेल. उनके पास के लिए दे हैव होगा, है ना, ये थोड़ा ध्यान देना. दे हैव हैड दिस प्रॉपर्टी सिंस 2005. दैट्स द राइट आंसर. Okay, now this time we are going to change into interrogative and you just have to focus over here. Kya aap ek teacher hain? Are you a teacher? Kya aap ek teacher the? Were you a teacher? Kya aap ek teacher honge? Will you be a teacher? Yahan use hoga do and does. Yahan use hoga did. यहां यूज होगा विल. क्या आपके पास सब कुछ है, डू यू हैव एवरीथिंग. क्या आपके पास सब कुछ था, डिड यू हैव एवरीथिंग. और क्या आपके पास सब कुछ होगा, विल यू हैव एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट. क्या आपके पास ये कार 2 साल से है. हैव यू हैड दिस कार फॉर 2 years. क्या सेलफोन आपके पास बचपन से ही है. हैव यू हैड दिस सेलफोन सिंस चाइल्डहुड. You know, in the past, had you had, 2 times had we are using, so don't get confused. Now, will subject plus have had. क्या आपके पास ये सेलफोन 2 साल से. Have you had this cell phone for 2 years. क्या आपके पास ये सेलफोन 2 साल से था. Had you had this cell phone for 2 years. क्या आपके पास ये सेलफोन 2 साल से होगा. Will you have had this cell phone for 2 years. So this is the way to walk. Now, to be, to have been, to have had. You know, that is the way to walk. इस तरीके से आप बनाओ, इस तरीके से sentences को बोलो and see the magic. मैंने कहा क्या आप घर पर हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में. Are you at home? क्या आप 2 साल से घर पर हो. Have you been
एट होम फॉर टू ईयर्स। क्या रवि आपका दोस्त है? जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट। इज रवि योर फ्रेंड? आप वहां कैसे जाओगे? एवरीबडी हैज टू स्पीक। हाउ विल यू गो देयर? क्या आप जानते हो इस काम को कैसे करना है? डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क? हाउ टू डू दिस वर्क नेक्स्ट? क्या रोहित मेरी इस काम में मदद कर सकता है? कैन रोहित हेल्प मी इन दिस वर्क? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? आप सुबह कितने बजे उठे? एट वॉट टाइम उठे डिड यू वेक अप इन द मॉर्निंग? नेक्स्ट, आपने इंग्लिश क्यों पढ़ाई? व्हाई डिड यू टीच इंग्लिश? आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो? हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश? नाउ लेट्स आंसर देम। कम ऑन, एवरीबडी हैज टू आंसर। आर यू एट होम? यस आई एम एट होम। नेगेटिव, नो आई एम नॉट एट होम। नेक्स्ट, हैव यू बीन एट होम फॉर टू ईयर्स? यस आई हैव बीन एट होम फॉर टू ईयर्स। नेगेटिव, नो आई हैव नॉट बीन एट होम फॉर टू ईयर्स। इज रवि योर फ्रेंड? यस रवि इज माय फ्रेंड। नेगेटिव, नो रवि इज नॉट माय फ्रेंड। इफ रवि इज योर फ्रेंड देन यू वुड से यस रवि इज माय फ्रेंड एंड ही हैज बीन माय फ्रेंड सिंस childhood, he is a good boy, he helps me always. No, Ravi is not my friend, he is only my classmate. Next, how will you go there? Aap kaise jaoge? Aapne kaha, I will go there by train. I will go there by train. Main wahan train se jaunga. Aap kaise jaoge? Process pooch rahe hain aapse. Do you know how to do this work? Yes, I know how to do this work and I've been doing this work for 10 years. I'm well experienced in this work. I can do it very well. You know, and I know how to do this work. You know, so that is the way to work. Next, can Rohit help me in this work? Yeah, Rohit can help you in this work. He's a good guy and he will surely help you. You know, at what time did you wake up in the morning today? Today I woke up in the morning at around 9 o'clock. I woke up late because late night, last night I slept late. That is why. Why did you teach English? Aapne English kyun padhai? I taught English because this is my job and my job is to teach English very well. So I did my job well. How are you learning English? So I'm learning English from Persona Institute. I'm improving myself. I attend the class regularly. I watch Ajay sir's YouTube sessions. You know, I also attend practice class. So that is all about. तो भाई ये सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा कि क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी है और किस तरीके से हम लोग जो है अपने आप में चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को ये चीज़ कन्फ्यूजिंग लग रही है और ऐसा फील हो रहा है कि सर ये हमें थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, तो एक बार इसको दोबारा देख के समझना, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। So today we have learned the basic English and I hope you must have understood to be, to have been and to have had, and some questions that I have asked you, you have answered them too, you know.